और दोस्तों कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि एक बार फिर से प्राची गर्म होती हुई नजर आ रही है और प्राची ये बोलती हुई नजर आएगी कि आलिया और रिया ने बहुत खेल खेल लिया, अब इनका समय ओवर हो चुका है और अब इनको एक्सपोज करने की सख्त जरूरत है। इधर रिया और आलिया इस चीज़ से टेंशन में है कि रिया की प्रेगनेंसी रिपोर्ट जो है वो जल्दी ही घर पर आने जा रही है, उसमें साफ साफ क्लियर जाए हो जाएगा कि रिया प्रेग्नेंट नहीं है और वो सिर्फ सिर्फ ढोंग कर रही हैं। जी हाँ, क्योंकि जब प्रेगनेंसी रिपोर्ट खाली आएगी जिसके बाद में लगातार लोग उनसे क्वेश्चन पुट अप करते हुए नजर आने वाले हैं। हालांकि रिया की बात की जाए तो रिया भी इस समय टेंशन के माहौल में है, क्योंकि रिया जानती है कि जैसे ही बाहर से रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आने के तुरंत बाद ही पता चल जाएगा कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है। आप लोग जानते ही हैं कि रिया और आलिया लगातार अपने खेल को अंजाम दे रही है। वहीं रणबीर से प्राची बोलती हुई नजर आने वाली है कि जो भी मैं फैसला लूँ क्या तुम मेरे फैसले में मेरे साथ हो या नहीं, जिसके बाद में रणबीर बोलता हुआ नजर आएगा प्राची से कि प्राची मैं तुम्हारे हर एक फैसले में तुम्हारे साथ था और साथ हूँ और जिंदगी भर साथ रहूँगा, जिसके बाद में प्राची बोलती हुई नजर आएगी कि आप मेरे पे भरोसा रखते हो ना, मैं कभी भी तुम्हारे साथ में, मैंने कभी रणबीर गलत नहीं किया है और ना ही मैं तुम्हारे साथ में कभी गलत करने वाली। और दोस्तों कहीं ना कहीं यही बात सबसे अच्छी लगती है प्राची की, कि प्राची जब अपनी बात को रखती हैं तो उनका बात रखने का आधार भी बदल जाता है, बात रखने का पूरा तरीका भी बदल जाता है। लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा स्ट्रेच में नज़र आ रही है रिया, क्योंकि रिया जानती है कि अगर उसकी पोल पट्टी खुली तो वाकई में कितनी भारी पड़ने जा रही है। दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आने वाला एपिसोड वाकई में और भी ज़्यादा खूबसूरत देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग देख पाएंगे कि रणबीर किस तरीका से प्राची का साथ देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइए आपको मेरी वीडियो आखिर कैसी लग रही है। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू।